है कांग्रेस सबसे बड़ी आदिवासियों की शोषक है। कांग्रेस का कहना है कि हम नरवा गरवा घुरवा वारी विकास के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा किए हैं, आपको क्या लग रहा है विकास किस तरह से हुआ है? कि आदिवासियों को राजनीति नहीं करना चाहिए, उनको अपना काम करना चाहिए। यदि राजनीति करना है तो अलग से पार्टी बनाना चाहिए। आनंद नेताम इतना ताकतवर हो गया है कि पूरी कांग्रेस को उसके खिलाफ षड्यंत्र करने की जरूरत पड़ रही है। अब ब्रह्मानंद नेताम के अपमान का बदला, एक आदिवासी के अपमान का बदला, उसको बदनाम करने का बदला, उसके खिलाफ षड्यंत्र करने का बदला पूरे भानुप्रतापपुर क्षेत्र की जनता लेगी, पूरा छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज लेगा। आरक्षण के मुद्दे पर लगातार ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहा है, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं। ऐसा है, कांग्रेस सबसे बड़ी आदिवासियों की शोषक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 2011 से लगातार 32% आरक्षण मिलता रहा, उसको कम करवाने के लिए जो व्यक्ति हाईकोर्ट में गया उसको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया, पिछड़े वर्ग का आरक्षण कम करने के लिए जो व्यक्ति कोर्ट में गया उसको कबीर पीठ का शोध पीठ का अध्यक्ष बना दिया। तो कांग्रेस के मुंह में राम बगल में छुरी है, वो कहती कुछ है करती कुछ है, और इसका बदला आदिवासी समाज पिछड़ा वर्ग समाज लेगा। कांग्रेस का कहना है कि हम नरवा गरवा घुरवा वारी विकास के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा किए हैं, आपको क्या लग रहा है विकास किस तरह से हुआ है? जब कांग्रेस विकास की बात करती है तो सबको हंसी आती है। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि सड़क किसने बनाई, बोले कमल फूल ने बनाई। ये सामुदायिक भवन किसने बनाया, कमल फूल ने बनाया। ये स्कूल किसने बनाया, कमल फूल ने बनाया। ये कॉलेज किसने बनाया, कमल फूल ने बनाया। ये सामुदायिक भवन किसने बनाया, कमल फूल ने बनाया। राशन दुकान किसने बनाई, कमल फूल ने बनाई। प्रधानमंत्री आवास कौन दे रहे थे, तो बोले नरेंद्र मोदी दे रहे थे। अभी क्या हुआ, बोले भूपेश बघेल लबरा खा गया। घर घर में नल जल योजना का पानी पहुँचना था, पूरे देश में पहुँच गया, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं पहुँच रहा है, तो बोले मुख्यमंत्री को पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं पहुँच रहा है। तो लोगों के कोई काम हो ही नहीं रहे। जरा भानुप्रतापपुर क्षेत्र में एक भी काम किया हो तो भूपेश बघेल जी बताएं, और हमारे पास बताने के लिए 1,00,000 काम है कि भानुप्रतापपुर क्षेत्र में जो कुछ दिख रहा है वो बीजेपी शासनकाल का है। ये लबरा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक भी काम नहीं हुआ। जो बलात्कार का आरोप जो लगा है, इसे आप जो है कांग्रेस और झारखंड सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार की साठगांठ बता रहे हैं। देखिए, जनता ने खारिज कर दिया है कि 3 साल पहले का मामला है, तो 3 साल तक क्या झारखंड की सरकार सोई थी? क्या 3 साल पहले, 3-4 साल से भूपेश बघेल की सरकार है ये सोई हुई थी? चुनाव में नॉमिनेशन सेलेक्ट होने के बाद ये आरोप क्यों लगाया? झारखंड की पुलिस यहाँ पर क्यों आई जो 3 साल से सोई हुई थी? अगर इतना गंभीर आरोप है, क्योंकि झारखंड की सरकार के विधायकों को दारू और मुर्गा रायपुर में बुलाकर भूपेश बघेल ने खिलवाया था, उसका एहसान शिबू सोरेन चुका रहे। सत्ता का सेमीफाइनल बताया जा रहा है, यदि ये जो चुनाव कांग्रेस जीतती है, बीजेपी अगर जीतती है, तो उसके पक्ष में आने वाला विधानसभा चुनाव रहेगा, आपको क्या लगता है? कांग्रेस जीतेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 70 विधायक 71 हो जाएंगे। पर अगर बीजेपी जीतती है तो ये संदेश जाएगा लबरा मुख्यमंत्री के लिए कि काम करो, 4 साल शोषण किए हो, और नहीं करोगे तो 2023 में बीजेपी आने वाली है। कल जलसभा में उन्होंने कहा कि आदिवासियों को राजनीति नहीं करना चाहिए, उनको अपना काम करना चाहिए, यदि राजनीति करना है तो अलग से पार्टी बनाना चाहिए। ये आदिवासियों का अपमान है, जो भी वोटर है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसने ऐसा बोलकर पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, उनके अधिकार से वंचित करने की बात की है, और ये तो इसके लिए मुख्यमंत्री दोषी है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए।